आम के पेड़ को भगवान की तरह पूजता था। वो पेड़ को रोज पानी दिया करता था। उस पेड़ पर एक देवी रहा करती थी। वो राजा से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए वो उसके सामने प्रकट हुई। अचानक एक देवी को उसके सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। राजा, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे अपनी इच्छा बताओ। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। मुझे ये वरदान दो माँ। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपनी इच्छा कह दी। एक बार फिर से सोच कर वरदान मांगो। माँ, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये वरदान मांगा है। तब देवी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब से तुम जिस भी चीज को छूओगे वो सोने में बदल जाएगी। वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए वो पेड़ से गिरे एक आम को छुआ और वो आम सोने में बदल गया और चमक रहा था। देवी का दिया हुआ वरदान काम कर रहा है, ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर एक बार वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए उसने आम के पेड़ को छुआ, वो भी सोने का बन गया। इस आम के पेड़ को यहीं पर छोड़ देता हूँ, अगर किसी भी गांव वाले को जरूरत होगी तो वो इस पेड़ से कुछ सोना ले जाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। इतना कहकर वो अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुना दिया। तभी उसकी पत्नी को दिखाने के लिए वो घर में रखे कुछ चीजों को छूने लगा और वो सोने में बदल गई। कुछ देर के लिए उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन इसका परिणाम सोचकर वो दुखी हो गई। कुछ देर बाद स्नेहा पाठशाला से घर वापस आ गई। पिता को देखकर वो तुरंत उसके पास आ गई। पिताजी, पिताजी, और अपने पिता के पास खड़ी हो गई। राजा उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए जैसे ही उसने देखा कि वो बच्ची उसके पास आई है, उसे अपनी बाहों में ले लिया। पर जैसे ही उसने स्नेहा को अपने हाथ में लिया, वो बेचारी बच्ची सोने की गुड़िया बन गई। राजा को सोना बहुत पसंद था, पर अपनी बेटी से ज्यादा तो नहीं। अपनी बेटी को ऐसे देखकर वो रोने लगा। अचानक वहां वो